नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। सफीपुर नगर पंचायत में सौरभ वाजपेयी राजा बेटा के नेतृत्व में संपन्न हुई अमृत कलश यात्रा। कई सभासदगण, नगर पंचायत कर्मी सहित सैकड़ों लोग कलश यात्रा में हुए सम्मिलित। आपको बता दें, जनपद उन्नाव की नगर पंचायत सफीपुर में आजादी के अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत नगर में कलश यात्रा निकालकर वीर वीरांगनाओं के सम्मान में नारे लगाए गए। आदर्श नगर पंचायत में आजादी का अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरा देश अभियान कार्यक्रम के अंतर्गत नगर पंचायत अध्यक्ष गरिमा वाजपेयी के पति प्रतिनिधि सौरभ वाजपेयी राजा बेटा की अगुवाई में देश के वीर को समर्पित अमृत कलश यात्रा निकाली गई। जन जागरूकता हेतु निकली कलश यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए अनेक घरों तक पहुंची, जहां प्रत्येक घर से मुट्ठी भर मिट्टी तथा चुटकी भर अक्षत का संचयन अमृत कलश में किया गया, जिसमें नगर के लोगों ने बड़े ही उत्साह तथा हर्षोल्लास के साथ अधिकाधिक संख्या में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर अमृत कलश हाथ में लिए चल रहे लोगों ने भारत माता की जय एवं वंदे मातरम के नारे भी लगाए। तत्पश्चात कलश यात्रा संपन्न होने पर नगर पंचायत कार्यालय के एक कक्ष में अमृत कलश को संरक्षित किया गया। इस दौरान चेयरमैन प्रतिनिधि सौरभ वाजपेयी राजा बेटा ने देश की मिट्टी को नमन व वीरों का वंदन और देश प्रेम से संबंधित तथा मातृभूमि के प्रति भारतवासियों के तमाम कर्तव्य पर विस्तार से प्रकाश डाला और लोगों को पंचप्रण की शपथ दिलाई। अमृत कलश यात्रा से संबंधित आयोजित कार्यक्रम में श्याम जी मिश्रा, सभासद बेचे लाल गुप्ता, सभासद कृष्णा पाल, वसीक अहमद, नीरज कुशवाहा, राजू विमल आदि सभासदगण, नगर पालिका कार्यालय कर्मी एवं अन्य लोग उपस्थित रहे। नया भारत दर्पण समाचार उन्नाव से ब्यूरो राजेश अग्निहोत्री की रिपोर्ट। इस खबर में बस इतना ही। देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।